हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्ष है और आप सभी का स्वागत इस एंड्रॉयड डेवलपमेंट ट्यूटोरियल सीरीज में, जिसमें हम एक वीडियो प्लेयर एप्लीकेशन बना रहे हैं। सो इन दिस वीडियो हम ये सीखेंगे कि हम हमारी एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, विच मीन्स जो हमारा प्लेयर है हम उसे फुल स्क्रीन में चाहते हैं। एक्चुअली करंटली हमारा जो प्लेयर है वो कुछ ऐसी स्क्रीन के अंदर आउटपुट देता है, ये स्टेटस बार भी शो कर रहा है, टाइटल भी शो कर रहा है, एंड इन दिस केस यहाँ पे बटन शो नहीं है क्योंकि मैंने अपने फ़ोन के बटन्स ऑफ रखे हैं, बट एक्चुअली आपको नीचे बटन्स भी दिखाई देंगे। सो एक्चुअली हम उसे फुल स्क्रीन में कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, विच मीन्स कुछ ऐसा कैसे बना सकते हैं, नो स्टेटस बार, नो टाइटल, ओनली आर प्लेयर। सो वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो सबसे पहले मैं उसके लिए एक थीम बनाने वाला हूँ जो मैं इस एक्टिविटी पर सेट करूँगा। सो जस्ट गो टू प्रोजेक्ट, ऐप, रिसोर्सेस, वैल्यूज एंड थीम्स एंड themes.xml, एंड यहाँ पे मुझे एक थीम क्रिएट करना है। ओके, सो आई एम गोना कॉपी दिस, कंट्रोल सी, एंड जस्ट इसे पेस्ट कर देता हूँ। एंड हियर फॉर प्लेयर एक्टिविटी, एंड मैं इसका नाम प्लेयर एक्टिविटी थीम, ओके, एंड यहाँ पे लाइट डॉट नो एक्शन बार, दिस इज इम्पॉर्टेंट, एंड उसके बाद इन एट्रीब्यूट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वी कैन इग्नोर ऑल दिस एट्रीब्यूट्स, एंड नाउ लेट्स गो टू आर प्लेयर एक्टिविटी, एंड हियर सेट थीम, एंड आर डॉट स्टाइल डॉट प्लेयर एक्टिविटी थीम, एंड इससे हमारा थीम सेट हो जाएगा। अब नाउ हमें यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट सेट करने हैं। सो फर्स्ट रिक्वेस्ट विंडो फीचर, एंड यहाँ पे वो फीचर पास करना है। सो विंडो डॉट फीचर नो टाइटल, ओके, सो हम लोग एक्चुअली फुल स्क्रीन के लिए डिमांड कर रहे हैं। एंड उसके बाद विंडो डॉट एट्रीब्यूट्स डॉट लेआउट इन डिस्प्ले कटआउट मोड is equal to window manager dot layout parameters dot, and ये जो short edges है select this one। so ये जो line है actually हमारे notch के लिए, so जो छोटा सा एक camera आपको दिखाई देता है, selfie camera जो आपके phone के ऊपर एक curved style में होता है, उसके लिए हम चाहते हैं कि हम notch के अंदर भी miss notch के side में भी video को show करें, इसके लिए ये attribute है। and just select more options and surround with this। सो इसके लिए मिनिमम API वर्जन P चाहिए, विच मीन्स पाए चाहिए। सो दो कोड्स हमने यहाँ लिखे, एंड कुछ कोड्स हमें जस्ट बाइंडिंग के नीचे लिखने। सो हम इमर्सिव मोड में शिफ्ट करना चाहते हैं। सो फॉर इमर्सिव मोड, विच मीन्स सिंपली फुल स्क्रीन मोड, उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे। सो सबसे पहले विंडो कॉम्पैक्ट डॉट सेट डेकोर फिट सिस्टम विंडो, एंड यहाँ पे पहले हमें विंडो पास करनी पड़ती है, एंड उसके बाद में फॉल्स पास करने वाला हूँ। द बाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर दिस इज ट्रू, विच मीन्स ये एक्चुअली हमारे स्टेटस बार का जो है उसे हाइड करने के लिए यूजफुल है। सो यहाँ पे हमें फॉल्स पास करना है, एंड आफ्टर दैट जो हमारे नीचे के तीन बटन से हम उनके साथ वर्क करना चाहते हैं, जो बैक एंड एक्सेट्रा बटन्स होते हैं, सो हम चाहते हैं वो हाइड हो जाए, जब यूजर साइड से स्वाइप करे तभी वो बटन्स दिखाई देने चाहिए, अदरवाइज इट शुड बी हाइडेड। So for that, so window insists controller compact, and इसका object create करना है हमें यहाँ पे, and simply pass window comma, यहाँ पे हमें view pass करना है जिसके controls हम लोग hide करना चाहते हैं। so binding dot root, and यहाँ पे मैं let property का use करने वाला हूँ to set multiple attributes। so let हमारी help करती है multiple attributes किसी भी object पे set करने के लिए, and simply मैं इसका नाम controller रख देता हूँ, आप कोई भी name use कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट हियर कंट्रोलर डॉट हाइड, एंड यहाँ पे विंडो इंसेस्ट कॉम्पैक्ट, सो दिस वन डॉट एंड टाइप डॉट एंड सिस्टम बार्स, सो आई वॉन्ट टू हाइड सिस्टम बार्स, सो आई एम यूजिंग दिस, एंड आफ्टर दैट कंट्रोलर डॉट सिस्टम बार बिहेवियर is equal to window insist controller compact this one dot and
बिहेवियर शो ट्रांसिस्ट बार बाय स्वाइप, विच मीन्स हम लोग जब स्वाइप करें तभी हमें वो बटन्स दिखाई देने चाहिए, अदरवाइज इट शुड बी हाइडेड. सो दिस कोड इज़ फॉर बटन्स. एंड आई नो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो, बट डोंट वरी, जब आप इसे बार बार प्रैक्टिस करोगे इट विल बी लॉट ईजियर फॉर यू. सो नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड चेक वेदर इट्स ओपनिंग इन फुल स्क्रीन मोड और नॉट. सो फाइनली ग्रेडल बिल्ड हो चुका है एंड एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुके हैं. लेट्स से किसी वीडियो पे क्लिक करके देखते हैं दिस वन, एंड एप्लीकेशन क्रैश हो जाती है. एंड नाउ व्हाई एप्लीकेशन इज क्रैशिंग, जस्ट चेक लॉक कैट. सो यहाँ पे इट्स सेइंग इट्स ऑन लाइन नंबर 34, एंड यहाँ पे मुझे दिखा रहा है समथिंग. अगर मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ सो इट्स शोइंग मी दैट डेको डॉट विंडो इज नल ऑब्जेक्ट रेफरेंस, विच मीन्स वो अब तक इनिशियलाइज नहीं हुआ है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन है. सो इसे अवॉइड करने के लिए मैं सिंपली इस कोड्स को यहाँ से कट कर लेता हूँ. सो सिंपली कट दिस कोड्स एंड मैं इन्हें सेट कंटेंट व्यू के बाद सेट करने वाला हूँ. सो जस्ट पेस्ट इट हियर एंड नाउ लेट्स रन आर एप्लीकेशन एंड चेक. सो एप्लीकेशन इज इंस्टॉल्ड एंड नाउ लेट्स प्ले अ वीडियो. एंड एक्चुअली ये फुल स्क्रीन मोड में प्ले हो रहा है, इसका साइड का जो जोन है वो ज़रूर वाइट है बट इट्स इन फुल स्क्रीन मोड. एंड इसके बाद अगर मैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में रखता हूँ तो भी ये फुल स्क्रीन मोड में है एंड इट्स लुकिंग प्रीटी मच नाइस. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय.